नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी सिंह और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हमारे जीवन में दादा दादी की क्या भूमिका होती है, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। चाहे वो हमें उंगली पकड़कर चलाने की बात हो या फिर हमें कहानियां सुनाने की, दादा दादी के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, हमारे इस खास सेगमेंट में सुनिए दादा दादी की कहानी, एक छोटी सी बच्ची अंशिता की जुबानी, जो कि इस दादा दादी सेगमेंट में खुद ही दादी का किरदार निभा रही हैं। हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ, नकल बिना अकल। नकल बिना अकल, इस बार हम आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये दो व्यापारियों और तीन बंदरों की कहानी है। चलिए तब शुरू करते हैं। एक गांव था, वहाँ कोई भी मंदिर नहीं थी। हर लोग हर फेस्टिवल में जाते थे किसी और गांव में। इसलिए सब लोग बहुत उदास रहते थे, हम अपने ही गांव में अपने मंदिर को नहीं बना पा रहे हैं, और उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। तो एक व्यापारी आया दुर्गा पूजा के एक महीने पहले। वो मंदिर में आया था क्योंकि वो अपने ही शहर में क्यों करता, वो कोई और भी गांव जाना चाहता था। तो सबसे पास गांव था वो, तो वो गांव में चला। तो वो गांव वालों से पूछा, आप यहाँ पे कोई दुर्गा माँ का मंदिर है? उन्होंने कहा, यहाँ पे तो कोई मंदिर नहीं, ना कृष्ण का ना दुर्गा का, हम हमेशा कोई और गांव में चले जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद करूँगा। तो वो दो व्यापारियों को लिया, वीर और हरिया। वीर और हरिया बहुत आलसी थे, उनको काम पे लगाया गया। वो एक काम करते थे फिर ले जाते थे, थोड़ा काम करते थे फिर ले जाते थे। एक दिन वीर और हरिया काट रहे थे लकड़ी, तो तीन बंदर उनको देख रहे थे। तीन बंदर देखने के कारण वो वीर देखा कि तीन बंदर हमें देख, और अपने भाई से कहा, भाई अगर हम उनसे मदद ले लेंगे और वो हमारा नकल कर लेगा तो हम लोग का काम भी सीधा हो जाएगा, और हम लोग को 1 लाख पैसा भी मिल जाएगा, और हम लोग खुशहाल से ज़िंदगी जीने लगेंगे। वो ऐसे कह के हरिया भी मान गया। हरिया सोचा कि अगर मैं थोड़ा सा हाथ बटा दूँ और मेरा भाई, बड़ा भाई वीर, उन पे काम चलाए, मैं जल्दी हो जाए, इसलिए मैं कर लेता हूँ। तो वो लकड़ी काटने लगा। तो वीर अपने खाने से थोड़े खाने अपने हाथ में रखा, और उन तीनों एक दो तो बहुत चमकदार थे, वो उसके पीछे पीछे नहीं जा रहे थे। तो एक बंदर बहुत बुद्धू था, तो वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। तब वो हरिया को देखा तो उसको नकल करने का सोचा। तो उसने एक हटौरी ली और एक लकड़ी में बीच कर दी, उसमें कील डाल दिया। कील तो वो बहुत गहरा था, गोल बहुत गहरा था, तो की अंदर चला गया। उसको निकालने के लिए वो अपना हाथ डाला, तो हाथ डालने के कारण उसका हाथ फंस गया। तो दोनों बंदर देखे तो उसका हाथ निकालने में कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं निकला। तब वीर उसको खाने में आने के लिए वो किया, और वो ऐसे देख के करा, तो वो अपना हाथ जल गया, वो तो छूट गया लेकिन उसकी जान चली गई। इसलिए इस गाने से हमें ये शिक्षा मिलता है, अक्ल नहीं करनी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। इस आपको लग रहा है कि नकल और सीखना अलग होती है। सीखना, अरे वो चीज़ तो मुझे चाहिए, वो चीज़ तो मुझे चाहिए, नकल वो मैं ऐसा करूँगा, ऐसे होता है। और नकल, रुक मैं करूँगा, ये इसको ये कहते हैं नकल। इसलिए इस गाने से तो मैं तो कुछ सीखूंगी, लेकिन नकल नहीं करूंगी। और अगर आप ये अच्छी गाने से ये शिक्षा करते कि नकल नहीं करना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। थैंक यू। अगर हमारा ये खास सेगमेंट आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।